हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेजबान रूपी जो एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं जम्मू में और सुरिंदर जो हमारे प्रेजिडेंट साहब थे, जिन्होंने शोर और खरोज के साथ बीटीसी की एक लड़ाई लड़ी और आज खुशखबरी की बात है। खुशखबरी इन्हीं से शुरू करते हैं। आखिर बीटीसी को लेके एक बड़ी मिठाई का जश्न भी किया गया, मिठाई बांटी गई। आखिर पूछती हैं कि ये मिठाई का जश्न और इतनी खुश, आज तो सुरिंदर काफ़ी खुश लग रहे हैं, पहले तो उदास ही लगते थे। नमस्कार रोहन जी, मैं बड़े खुश हैं। क्या देखिए, आज तो हमने खुश होना ही होना था, काफी देर से हमारा पहले ही मसला चल रहा था। आप ही देखते थे हम भाजपा आते जाते कहीं कहीं दो जगह थे, जिसको जिसको पेट दर्द हो यही बोले दुआ के लिए वहीं जाना पड़ता था। लेकिन फिर हमें रैना साहब ने बोला था कि आप कोर्ट में जाओ, आर आर पठानिया ने बोला था कोर्ट में जाओ। हम गए, हमारा वकील था जो अंकुश शर्मा जी है, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज उन्होंने, आप लोगों ने उनको मिठाई भी खिलाई और हमें दिल से आज खुशी है जो उन्होंने हमारे लिए एक कोर्ट का आर्डर लाया कि इन्होंने एसपीओ ने हमारे ऊपर कोर्ट केस किए जी वॉलंटियर है। आज हमें पता चला आज हम वॉलंटियर नहीं है, हमारी सैलरी है, हमारा भी कोई खाता है जी। हम गवर्नमेंट को आपकी सैलरी के माध्यम से बताना चाहते हैं। और हमारे साथ 145 लोग थे जिन्होंने केस किया था, हमें आर्डर कापी जी लाई हुई है आज हम लोग ने, और कल हम एसएसपी के साथ वो पास जाएंगे, ऑर्डर कॉपी उनको देंगे। ये ऑर्डर कॉपी है, जिन लोगों की ऑर्डर कॉपी है, मैं कल की न्यूज़ में आपको दिन में पूरा अपडेट बताऊंगा, नाम लेकर बताऊंगा कि जिन जिन लोगों के 145 जिनके नाम थे। आज खुशखबरी की बात है, सबसे बड़ी मैं जितने भी 145 बीडीसी मेंबर था उनको मुबारकें देता हूँ कि आखिर आपके प्रेसिडेंट सुरिंदर ने जो बढ़ चढ़कर काम किया है। आखिर झूठे खोखले वादे तो बहुत लोगों ने किए और सुरिंदर दिन रात सोए नहीं। आखिर इन्होंने जो इनके साथ लोग जुड़े थे, लोगों ने भरोसा किया और इनकी जो जिम्मेदारी थी वो आज इन्होंने करके दिखाया है। वो सुरिंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं हर बीडीसी मेंबर्स को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई ऐसे बिखलावे में मत आइए। वकील बहुत है लेकिन आप जैसे दो चार जगह में ऐसे 5-5 लाख रुपये वकीलों ने ले लिया लेकिन आज तक काम नहीं हुआ, केस ही नहीं दर्ज हुआ आज तक। आज तक कभी बोलते ये हुआ, कभी बोलते ये हुआ। हमारे अंकुश शर्मा जी जो वकील हैं उन्होंने अभी 2 दिन पहले फाइल लगाई थी लेकिन आज हमारा मसला हल हुआ। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमें शायद दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे जो 145 मेंबर थे हम सब लोग गए थे, उनको मिठाई खिलाई, हमें खुशी है कि हमारे गरीब लोगों की आवाज़ उठी, हम लोग गरीब लोगों को पे मिलेगी, हमारा भी कोई खाता है जी। मैं कहना चाहता हूँ और हमारे जो बीडीसी मेंबर हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि कृपया करके हमारे से समर्थ कीजिए, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए कभी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं कोई। लेकिन जो वकील है तो वो वकील है, वो अंकुर शर्मा ही है। आज हमने देख लिया 28 फाइलें, आपको पता कितनी फाइलें लगी थी? आपको नहीं पता होगा शायद, आपको अब तक 28 फाइलें लगी हुई थी। जो पहली फाइल है जो देखिए सुरेंद्र सिंह के नाम की फाइल जो है वही जीत के आज बाहर आई। बहुत बहुत मुबारक है, आज आपने आखिरी जीत हासिल की और 145 बीडीसी मेंबर को बहुत बहुत मुबारक है जिनका एक नाम इस फाइल में और इनका काम जो है हो गया। अब तमाम जितने भी बीडीसी मेंबर हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए मैं सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा दोबारा, क्योंकि आपका भी बड़ा रोल है मीडिया का, आपके हमारी और आपका बड़ा रोल। आप रोहन जी हमारे साथ बहुत साथ काफ़ी देर से आप हमारे साथ चल रहे हो और बात यह है कि हम लोग किसी पैसे का लालच नहीं है, हम लोगों को हम काम करवाना भी जानते हैं हम लोग और करना भी जानते हैं हम लोग। मैं रात के 1-1, 2-2 बजे कर जाता था अपने, क्योंकि पटिशन दर्ज करवाने वकील को क्या डॉक्यूमेंट देने हैं क्या नहीं ये मैं जानता हूँ ना, तो इसलिए मैं अपने मेम्बरों से ये कहना चाहता हूँ कि इसका कोई हल नहीं है, तो ये कोर्ट ही लास्ट हल है, क्योंकि इन्होंने एसपीओ ने कोर्ट दिया तो हम भी क्यों कोर्ट केस करेंगे। अब पे के लिए ऑर्डर आया, हम नेक्स्ट लड़ाई लड़ेंगे, अपने अकाउंट में सैलरी आई जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, अभी केस हमारा खत्म नहीं हुआ, हम लोग नेक्स्ट हमारा वकील लड़ाई लड़ रहा है अभी, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट सुरिंदर सिंह, इन्होंने जोर और खरोज के साथ बीडीसी का मामला कोर्ट में दर्ज किया, आखिर आज उनका रिजल्ट देखने पहुंचा और मिठाइयों का जश्न भी माना गया। और आप रेगुलर अपडेट अगर बीडीसी मेंबर अलग अलग जिलों से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कहीं भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सुरिंदर सर के साथ कांटेक्ट कीजिए, अपनी फाइल को लेकर और अपने डॉक्यूमेंट इनके पास सबमिट करवाइए। आखिर आपका जो मामला है, ये जो खोखले वादे करते हैं, डुप्लीकेट पैसे कलेक्ट करना, ये गलत चीज़ें करना, इन चीज़ों में मत जाइए। ये फेस आप देख रहे हैं सुरिंदर का,
आखिर इन्होंने करके दिखाया और करके दिखाएंगे। आप जुड़े रहे।